बहरे ओकियानूस की गहराइयों में लापता छोटी सयाहती आबदोज टाइटन की तलाश में पेशरफ्त हुई है। सर्च ऑपरेशन में शरीक कनाडा के त्यारे को टाइटैनिक के डूबने के मकाम पर आबदोज मौजूद होने के सिग्नल मौसूल हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जेर समंदर आवाजें भी सुनी। अपने सफर पर रवाना होने के 1.5 घंटे बाद ही आबदोज का राबता मुनकता हो गया था। हुकाम के मुताबिक आबदोज का आखिरी सिग्नल तबाहशुदा जहाज टाइटैनिक के ऊपर पहुंचने पर मिला। गुमशुदगी के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। माहरीन के मुताबिक मुमकिन है कि अगर बिजली या कम्युनिकेशन की खराबी हुई तो आबदोज वहीं घूम रही होगी। आबदोज समंदर की तह में चली गई है और अपने जोर पर वापस आने की सलाहियत से महरूम हो गई तो फिर आबदोज के मिलने के बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। आबदोज का ढांचा अपनी असली हालत में 200 मीटर से ज्यादा की गहराई में मौजूद है तो बहुत कम ही जहाज इतनी गहराई तक जा सकते हैं। टाइटन नामी आबदोज का वजन 132 किलो है और 1,3100 फुट की गहराई तक जा सकती है। आबदोज में 96 घंटे तक के लिए लाइफ सपोर्ट मौजूद होती है और आपको बताएं कि तलाश के पेचीदा ऑपरेशन की क्यादत भी कर रहे हैं कनाडा की बहरिया फजाई और कोस्ट गार्ड के साथ साथ न्यूयॉर्क स्टेट एयरगार्ड की रेस्क्यू टीमें भी सर्च ऑपरेशन में शरीक हैं।